subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो आपका स्वागत है पॉप बॉलीवुड में. क्या कहना चाहेंगे, आपके नई अपकमिंग वेब सीरीज आ रही है जिसे उसके बारे में जानना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि देखिए काम तो एक्टर का ही कर रहा हूँ, लेकिन एक्टर को भी नए नए प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, जैसे टेलीविजन है, सिनेमा है. और अब ये पिछले कुछ 2-3 सालों में जो एक नया प्लेटफॉर्म बहुत फेमस हो गया है वो है OTT प्लेटफॉर्म. तो ये मेरा पहला मौका है OTT पर इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ. लीड है और ज्यादा खुशी है, पुलिस वाले का रोल है और ज्यादा खुशी है. अभी नया प्लेटफॉर्म है तो यही उम्मीद है कि जैसे जैसे ये लोग बढ़ेंगे उनके साथ मैं भी बढ़ूंगा. जैसे आपने कहा कि नया प्लेटफॉर्म है, तो डीजी स्पीक के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका टाइप इनके साथ में एंड शो के बारे में थोड़ा सा. ठीक है, डीजी फ्लिक्स के जो फ्लोटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं उन्हें तो नहीं जानता था, बट जो चैनल के कर्ता धरता है, जो विशाल दादा, ही इज लाइक अ फादर फिगर. तो मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअली इस चैनल को हेड कर रहे हैं. मुझे तो नॉर्मल जैसे लोग कास्टिंग एजेंट्स होते हैं, दे कॉल्ड मी एंड दे आस्क्ड मी, सर ऐसे ऐसे शो है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग. तो मैंने जब रोल सुना तो मैंने कहा हाँ ये तो अच्छा रोल है, मैं करूँगा. तो फिर उसके बाद जब मैं पहले दिन गया शूटिंग पे तो देयर आई मेट दोस पीपल एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. तो उन लोगों ने भी मेरे लिए सरप्राइज रखा था, मुझे जानबूझ के बताया नहीं था कि दे आर द पीपल बिहाइंड द चैनल. जैसा कि आपने कहा कि आप इसमें एक कॉप का कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो किस तरीके से प्रिपरेशन रही आपकी? प्रिपरेशन तो कई साल से चल रही है. मैं डिशुम मैंने एक फिल्म की थी, उसमें आई वाज अ कॉप. एक सीरियल किया था पुलिस फैक्ट्री, उसमें मैं कॉप भी था और कॉप्स को ट्रेन भी करता था. और उसके अलावा कई ऐसे शोज हैं जहां पे मैं मिलिट्री वाला बन चुका हूँ. तो एक मेरी कदकाठी ऐसी है, मेरा शक्ल, मेरी आवाज में अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, फेस ऐसा है. तो इस तरह के रोल्स दे कम वेरी नेचुरली टू मी. और मजे की बात मैं आपको आज बताता हूँ कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, व्हेन आई वाज इन स्कूल कॉलेज, तो मैं एक्चुअली मैं पुलिस वाला बनना भी चाहता था. मैं जब कॉलेज में गया था तो मेरे टीचर्स ने मुझे, प्रोफेसर्स ने बोला, मैंने अपने कॉलेज में हिस्ट्री में टॉप किया, तो जो मेरे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे ही वाज वेरी इंप्रेस्ड. बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था सबको. आई हैड अक्रॉस ऑल द क्या बोलेंगे उसके डिपार्टमेंट्स, जितने भी वो कोर्सेज होते हैं उन सब में मैंने टॉप किया था. तो ही टोल्ड मी कि यार तुम्हारी हिस्ट्री अच्छी है, यू कैन स्पीक वेल इन इंग्लिश ऑल्सो, तुम्हारा जनरल नॉलेज ठीक है, तुम यूपीएससी के लिए ट्राई क्यों नहीं करते हो? तो मैं IAS के लिए एक्चुअली मैंने थोड़ा टाइम पढ़ाई भी, बट फिर क्या होता है कि आदमी का ध्यान कई बार दूसरी चीजों में लग जाता है, पढ़ाई प्रायोरिटी में पीछे. तो बट आई वॉज एट वन टाइम वेरी सीरियस अबाउट ज्वाइनिंग पुलिस फोर्स, तो वो कहीं ना कहीं मुझे अभी प्ले करने को मिल जाता. तो आई ऑब्जर्व कॉप्स वेरी वेल, जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती कुछ होता है, आई ऑब्जर्व देम वेरी वेल. How was the experience working with Aman and Malvi? Aman is a sweetheart. I have known Aman for a very long time. He's my senior by 7-8 years in the industry also. तो जब हम इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की थी, अमन वाज ऑलरेडी अ वेरी बिग स्टार, उसका बहुत बड़ा शो था उस टाइम पर. कोई तो अमन ऑलवेज हैज बीन अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, आई हैव नोन हिम एज अ फ्रेंड आल्सो. तो बहुत अच्छा लगा उसके साथ, वो बड़ा हेल्पफुल है. आज भी इतने साल हो गए हैं, ही इज वेरी मच लाइक मी. वी बोथ रिहर्स अ लॉट, वी गो थ्रू अवर सीन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. हम लोग जल्दी में काम में बिलीव नहीं करते, हम लोग बहुत सहज पके सो मीठा हुए वैसे वाले स्कूल से है. तो अमन भी बहुत आराम से करता है, मैं भी बहुत आराम से, हम दोनों प्रिपेयर करते हैं. दोनों, वो मेरी बहुत हेल्प की उसने कई सीन्स में. नहीं तो क्या होता है कि लोगों को, ज्यादातर मैं एक्टर्स को देखा है कि तो हेल्प नहीं करते हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं. उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा नेचर है, आज भी बहुत दोस्त है आज भी मेरा. और मालवी इज अ न्यू कमर, उससे मैं पहली बार ही मिला था, बट शी इज अ वेरी वेरी स्वीट गर्ल और बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल थी. उसने बहुत अच्छे से अपने सब सीन्स किए. मुझे याद है उसका, अभी मैं स्टोरी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, एक सीन था जहाँ पे उसको कई घंटों तक एक ही पोजीशन में लेटना था और वो लेटी हुई और हम लोग इर्द गिर्द उसको भी छानबीन कर रहे हैं. वो बेचारी इतना पेशेंटली, उसने उफ नहीं की, गर्मी भी थी सब कुछ था. बट शी वाज, देयर इज अनदर गर्ल इन द शो
her name is Muskan Mehta. She's also very good, and she's my love interest in the story. उसने भी बहुत अच्छा काम किया है. What was the most toughest scene that you have seen in this entire this journey? Tough scene. Yeah. Toughest scene in Disha. Yeah, Disha. मैं टेलीविजन पे महादेव का रोल करता हूँ तो लोगों की एक उम्मीद होती है कि ये भगवान है पावन, मेरे को देख के लोग वो फील करते हैं कि अब ये आ गए हैं तो चलो आज का हमारा भगवान को देखने का कोटा पूरा हो गया, मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है. हमारे साथ में वैसा होता है. तो गीशा में आई हैव अ लॉन्ग लव मेकिंग सीन, तो वो सीन, बाकी सीन्स तो मैं लाइफ में किए ही हुए हैं, इस तरह मैंने पहले कभी नहीं किया. सो टू साइक माई सेल्फ टू लुक बिलीवेबल, टू लुक कन्विंसिंग, टू नॉट लुक हरिड, एक होता ना कि आप यार जो भी काम करो उसको पूरे उससे करो, कन्विक्शन के साथ में करो, वो सीन मेरे लिए काफी टफ था. तो मैंने पूरी यूनिट को, और यूनिट भी बड़ी अच्छी थी हमारी, बड़े बढ़िया दोस्त बन गए वो सब लोग थोड़े दिनों में, सो दे वर ऑल वेरी अंडरस्टैंडिंग. तो मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे है जो रिक्वायर्ड नहीं है, पहले तो वो लोग कमरे से बाहर जाओ. और फिर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुस्कान के साथ में मेरी केमिस्ट्री कैसे हो, क्या हो. शी वॉज वेरी हेल्पफुल, दो शी इज अ वेरी न्यू वेरी रॉ टैलेंट, शी वॉज वेरी हेल्पफुल. What was the location? How was? Location. कहानी ऐसी है, मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं कुछ वारदात हुई है जिसकी तफ्तीश कर रहा हूँ, तो वो कभी मुझे यहाँ ले जाती है, कभी कहाँ ले जाती है, कभी झुग्गियों में जा रहा हूँ, कभी महलों में जा रहा हूँ, कभी होटेल्स में जा रहा हूँ, कभी सड़कों पे भाग रहा हूँ, लोगों के पीछा कर रहा हूँ. बहुत मतलब पूछिए मत, इन्होंने बॉम्बे के वो हिस्से दिखा दिए मुझे जो मुझे मालूम भी नहीं थे इतने साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ. बट दे शोड अ न्यू बॉम्बे. अच्छा तर हमने देखा है कि आपने लाइक टेलीविजन भी किया है और आप वेब सीरीज कर रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क आपको नजर आया? रिस्ट्रिक्शंस कम है वेब सीरीज जब आप करते हैं ना, तो आपकी जबान जो होती है, आपके एक्शंस, आपका. और टेलीविजन में क्या प्रॉब्लम है, टेलीविजन ना बहुत ही रिग्रेसिव और बहुत ही ऐसा नहीं कि वहां जो लोग लिखते हैं या जो लोग कंसीव करते हैं आइडियाज वो कोई इंटेलिजेंट लोग नहीं है. मुझे लगता है वो थोड़े से आलसी हो गए हैं. आलसी इन द सेंस कि आप देखिए आप जहाँ काम करती हैं जिस भी कंपनी में, उसमें डिसीजन मेकिंग जरूर कोई एक आदमी करता होगा जो मालिक है या जिसको सीईओ नियुक्त किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां बाकी लोगों में अकल नहीं होती है. लेकिन टेलीविजन में अगर कोई सीरियल का नाम है, सपोज गीता, गीता आपकी अगर हीरोइन है तो सिर्फ गीता में अकल होगी, सिर्फ गीता को ही वो सुराग नजर आएंगे. अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, घर में पुलिस आती है तो मर्द खड़े होंगे, वो साइड में रहेंगे, गीता पुलिस वालों से बात करेगी. और मैं ऐसा नहीं करूं कि औरतों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, डन. लेकिन टेलीविजन में ऐसा होता है कि हर काम वही करेगी, गुंडों से लड़ाई भी वही करेगी. मतलब ऐसी हालत आ जाएगी एक समय पर कि अगर घर की कोई प्रॉब्लम हो गई और उसमें कुछ गुंडे वगैरह आ गए, वो भी गीता ही करेगी. घर का हर एक काम वो, मतलब वो एक तरह से सुपरमैन या सुपर वूमन हो जाती है. ऐसा नहीं होता है. तो टेलीविजन में क्या है, वो लोग बहुत ही ज्यादा फॉर कन्वीनियंस का सहारा लेते हैं. हर चीज एक आदमी से करा दो, इसको हीरो बनाने के लिए बाकी सबको बेवकूफ दिखा दो, वैसा नहीं होता. यहाँ पे चाहे आप एक सीन के लिए भी आते हो ना, आप हीरो पे भारी पड़ सकते हो. वेब सीरीज यहाँ पर ये है कि आप एक सीन के लिए भी अगर आए हो तो आप में अगर दम है तो आप हीरो पे भारी पड़ जाओगे, क्योंकि सबका रोल बराबर लिखा हुआ है. लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन रोल सबके बराबर. तरुण हमने देखा कि लॉकडाउन से पहले जब शूट हुआ करती थी तो पूरा सीन अलग होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में शूटिंग करने कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका, एंड क्या कुछ प्रिकॉशंस लिया गया सेट पे एंड ऑल? देखिए लॉकडाउन के बाद शूटिंग तो मैं तो जून से कर रहा हूँ. टेलीविजन की जो शूटिंग थी वो तो 22 जून से स्टार्ट हो चुकी थी, तो अभी तो बहुत समय हो गया, 6 महीने के ऊपर हो चुके थे शूटिंग शुरू किए हुए, तो इतनी कुछ अभी तो प्रॉब्लम थी नहीं. वही जो नॉर्मल प्रिकॉशंस होती हैं वही है कि जहां तक हो सके मास्क पहन के रहते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं, इसके ऊपर तो कोई कुछ कर नहीं सकता. ओके, सो आगे क्या है पाइपलाइन में आगे, और आप फिल्में करने वाले हैं या फिर फिलहाल तो आपकी वेब सीरीज आ रही है एंड टेलीविजन का क्या रहता है?
देखिए टेलीविजन तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, राधा कृष्ण तो चल ही रहा है, और फिर मैं ऐसी एज पर हूँ, टेलीविजन में क्या होता है, अगेन उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो पैसे कम ले, उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो बिग बॉस करके आए हो, या उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो कम उम्र के हों, बिल्कुल ही 20-22-23 साल के, तो उनको कोलू के बैल की तरह जोत देते हैं, उनसे 30-30 दिन काम कराते हैं। तो हम लोगों को अब वो लोग उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, तो अब हम लोग के साथ में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो टेलीविजन पे जो रोल्स मेरी मर्जी के होंगे वो जब आएंगे तो ही करूंगा। ऑफर्स रहते हैं हर हफ्ते, कई 2-3-4 लोग करते हैं फोन, बट मजेदार कुछ नहीं होता। बात रही फिल्मों की, तो फिल्मों में तो काम आपको तभी मिलेगा जब आपके फादर प्रोड्यूस कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली में अगर कोई है तो ही आप हीरो हीरोइन बन सकते हो, बाकी लोगों को तो कैरेक्टर रोल्स भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फिल्में सिर्फ उन्हीं के लिए रह रही है, फिल्म इंडस्ट्री के ही, बाहर के लोगों के लिए पूरी तरह से ताला लग चुका है, या फिर ऐसा है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के जो कुछ बड़े दिग्गज वो हैं उनके पास जाओ, पैर दबाओ उनके, कई तरह से उनकी खातिरदारी सेवादारी करो, तो शायद आपको चांस मिलने के चांस बने, अदरवाइज फिल्मों में चांस नहीं मिलता। ये जो अभी मीडियम है वेब सीरीज का, वेब सीरीज में क्या गंदगी है कि जो कुछ 2-3 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे 2-3 कास्टिंग वालों ने अपनी एक तरह से पकड़ बना ली है, तो आप नोट करो कि वही उन्हीं के ही एक्टर्स हर एक शो में नजर आते हैं, वही घूम फिर के 8 या 9 एक्टर्स होंगे जो हर एक शो में नजर आएंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी। तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ वही लोग घूम फिर के नजर आ जाते हैं, तो अगेन वही एक कहते हैं ना कबीला कल्चर, एक हमारी कंपनी में आके बस आप वही पैर दबाओ और ये सब बाकी सर्विसेज दो उनको वो सब। बट ये जो नए जो भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं ये लोग क्या है, ये असली में टैलेंट को वो दे रहे हैं, आप में टैलेंट है, आप अगर रोल को सूट करते हो दे विल कॉल यू। तो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ विद दिस प्लेटफॉर्म जो, और गीशा का फर्स्ट सीजन तो बन ही गया है, दे आर वर्किंग ऑन द सेकेंड सीजन ऑल्सो, तो बहुत जल्दी हम लोग सेकेंड सीजन भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि लोगों को आजकल ऐसे लोग चाहिए कि बिग बॉस जिन्होंने किया रहे, तो आपको कभी ऐसा ऑफर आया और आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस के बारे में? देखिए बिग बॉस जो होता है, अब मैं कई सारी बातें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा इंटरव्यू पे, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास में सबूत नहीं है, कई चीजों के प्रूफ नहीं है। मैं बोलूंगा किसी ने बोला था मुझे ऐसा, तो वो आप उससे जाके पूछोगे वो तो मना कर देगा कि नहीं तरुण खन्ना झूठ बोल रहा है, उसके पास में क्या प्रूफ है, जबान पे कोई कैमरा पे तो बोला नहीं किसी ने, मैसेज में तो बात हुई नहीं, तो वो वाली बातें हो जाती हैं। मैं बिग बॉस जैसे शो को एंजॉय नहीं करता, मैं पहले करता था अब नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही बायस्ड शो है, बहुत ही ज्यादा पक्षपात होता है वहां पे, और बहुत ही ज्यादा डॉक्टर्ड और स्क्रिप्टेड सा लगता है, जो कि मुझे जमता नहीं है इस तरह का शो, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा हिंसा को बढ़ावा देता है, गंदे बिहेवियर को, बहुत ही नंगापन है वहां पर। नंगापन कपड़े उतारने के नंगेपन से मेरा तात्पर्य नहीं है, मेरा जो मतलब है वो ये है कि लोग बेशर्मी और ढिठाई पर उतर आते हैं, गंदगी अपने जो कैरेक्टर की सबसे गंदी चीजें होती हैं वो दिखाते हैं वहां पे, क्योंकि उन्हें एक हफ्ता और टिकना होता है शो के अंदर। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल हु आर वॉचिंग, बहुत ही बदतमीज और बहुत ही वॉनबी किस्म के कई कैरेक्टर मैंने देखे हैं बिग बॉस के अंदर पिछले साल जो थोड़ा बहुत मैंने देखा था, और वो ऐसे लोग हैं जो कि असल में अगर वो आपकी जिंदगी में आएंगे तो शायद आप उनसे दूसरी बार बात करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन क्या हो गया कि उनको सर चढ़ा लिया जाता है बिना वजह, गलत वजहों से उन्हें सर चढ़ा लिया जाता है, और अब आप सोचिए छोटे छोटे शहरों के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें लगता है कि यार हाँ ये इस लड़की ने ऐसा वहां जाके उटपटांग नाटक किए थे, तो यही तरीका है आगे बढ़ने का, और वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से लड़ के झगड़ के बॉम्बे शहर आते हैं, यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करके किसी तरीके से गुजारा करते हैं कि अब हम भी बिग बॉस में कोशिश करेंगे, एक्सप्लॉइट होते हैं फिर वहां जाने के नाम पर, कितने सारे कांड होते हैं ये सब, अगर आप बॉम्बे में रहते तो दिस इज कॉमन नॉलेज, और फिर इन बच्चों को वहां पर जाने की जगह भी नहीं, जिसको मिलती है वो वहां जाके कुछ भी गंदापन करने के लिए तैयार हो जाता है। दिस इज नॉट अवर कल्चर, आप अगर कुछ दिखाना चाहते हैं, अगर इतना बड़ा कोई स्टार उनके साथ में एसोसिएटेड है तो ही शुड वर्क ऑन समथिंग जिससे कि हमारा कल्चर स्ट्रांग हो, जैसे अमिताभ बच्चन भी है कौन बनेगा करोड़पति करते, आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस शो, वो आपको तहजीब से बात करना सिखाते हैं, वो आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो स्टार है वो तहजीब से बात करना नहीं सिखाता है,
लेकिन यहाँ पे एनकरेज किया जाता है लड़ाई करने को, और जब तक आप लड़ाई नहीं करते हो तब तक आपके शो की टीआरपी नहीं बढ़ती है, तो कंटेस्टेंट भी बेचारे एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देने को मजबूर हो जाते हैं। मैं फैन से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आप लोग कोशिश करके सिगरेट मत पीजिए। देखिए सुनने में बड़ी छोटी बात लगती है, लेकिन हर आदमी को जिंदगी में कुछ अच्छा कोशिश करनी चाहिए। हम सभी को पता है कि सिगरेट पीना बुरी बात है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, आसपास पॉल्यूशन फैलता है, सबको लंग्स की बीमारी होती है, अस्थमा होता है। आप सिगरेट मत पीजिए, मैं एक बहुत छोटी सी गुजारिश करता हूँ, और अगर आप नहीं पीते हैं तो अपने साथ वाले से जो पी रहा है कोशिश कीजिए किसी एक आदमी की सिगरेट लाइफ में छुड़वा दें। थैंक यू तरुण, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर।